शक्ति स्वरूपा माँ भगवती एवं बाबा केदार के आशीर्वाद से आज हम सब इस सारस्वत कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे देवभूमि के यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने ये पवित्र संकल्प लिया था सर ने 2022 में कि हम सबसे पहले इस प्रदेश में देवभूमि में यूसीसी लाएंगे। और आज इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग इस पवित्र पल के साक्षी हैं। और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया था, आज वो पूरी समिति यहाँ पर है। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ सर्वप्रथम माननीय जस्टिस रंजना देसाई जी का, जो इस समिति की एक्सपर्ट की अध्यक्षा जी हैं, और सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ हैं, जस्टिस कोहली जी, शत्रुघ्न सिंह जी, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, श्री मनु गौड़ जी, सदस्य सचिव अजय मिश्रा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सबसे अधिक सब जो मीडिया के बंधु यहाँ हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हैं, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपके माध्यम से जो देवभूमि की यूसीसी का जो काम हो रहा है ये बहुत ही ऐतिहासिक है, और आपके माध्यम से ये पूरी दुनिया में ये समाचार जाएगा। और आप सब भी इस यज्ञ में हम लोगों के साथ शामिल हैं, देवभूमि के इस यूसीसी के यज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब मैं सम्मानित समिति से अनुरोध करूंगी कि आप यूसीसी का जो आपका रिकमेंडेशन है, जो आपने इतना गहन चिंतन और अध्ययन किया है, बहुत बहुत डिटेल में हमारी यूसीसी समिति ने जन सुनवाइयां की हैं, जनता के सुझाव लिए हैं, बहुत वाइड कंसल्टेशन के बाद लगभग 2 साल की अवधि में बहुत ज़्यादा आपने अध्ययन करके ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है, जो आज आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सौंपेंगे। तो मैं आपको आपका स्वागत करती हूँ, आप लोग इस ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप पहले बहुत
अब काम शुरू हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अभी यात्रा बहुत जल्दी है। समिति को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने ये ऐतिहासिक काम यहाँ पे कर दिया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आईडी लगा दीजिए आप लोग, जो थोड़ा सा मीडिया के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी अपने को सबका मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाज सेवी, इन 5ों लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गए हैं। और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियाँ बनाई, 2 उप समितियाँ बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए, लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए, और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए, और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा
काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है, और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है, और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया, अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए, और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं, और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं, और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया, और वो शुभ दिन ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए, तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं, और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए, और आज हमने भी जो संकल्प लिया था, और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है, और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे, और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे, और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे मीडिया के बंधुओं को, सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद। समझ गए आपका स्टाइल, समझ गए। मुंह बंद करने की व्यवस्था कर रहे हो, साइड साइड।